हर जगह जब सारा काम और आप उपचुनाव करवा रहे हैं, वही डीसी के रखते हैं, उपचुनाव हो रही है। आज आप देख लीजिए सारा जेएमएम में भाजपा का विजय जुलूस निकल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैला, केवल मेला फैलने लगने से कोरोना फैलेगा कितना? आप यही, मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, आप जो गाइडलाइन निकाले उसे मंडल उपचुनाव करा के दिखा लीजिए। कल ही तो था नॉमिनेशन रैली, कितना आप गाइडलाइन निकाले, कितना पालन हुआ? रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारी को लेकर उपायुक्त ने पूजा समिति के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए इस बार रथ यात्रा तो निकलेगी लेकिन मेला का आयोजन नहीं होगा। मतलब सैकड़ों हजारों लोग जो इस जगन्नाथपुर रथ यात्रा और इस मेले के आयोजन से वहां से रोजगार कर पाते थे, इस बार नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को इस बात से आपत्ति है, उसी में से एक समाजसेवी प्रदीप तिवारी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, क्या आपत्ति है? डीसी साहब बोल रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसमें मेला के आयोजन की जो है आप लोग को इजाज़त देने का नहीं है। देखिए, ये रांची डीसी का बिल्कुल अव्यवहारिक और हिटलर शाही वाला निर्णय है। डीसी साहब वहाँ पे गए थे, नया रथ जब बन रहा था 20 दिनों पहले, नया रथ एकदम बिल्कुल नया रथ का निर्माण शुरू हुआ, उसी समय डीसी साहब ने ये घोषणा कर दिया रहा था तो वहाँ के जो व्यापारी हैं जिनमें 2 साल बाद ये आशा जगी थी कि अब मेला होगा, क्योंकि वो देख रहे थे कि रामनवमी भी हुआ, छठ भी हुआ, ईद भी हुआ, होली भी हुआ, तो उनके मन में आशा जगी थी। उन्होंने अपना, कुछ लोगों ने जमीन गिरवी रखकर, कुछ लोगों ने सोना गिरवी रखकर पूंजी लगा दिया, सारे सामान मंगवा दिए। अब आज अव्यवहारिक आदेश मिलता है, कल अव्यवहारिक आदेश मिल जाएगा, मेला नहीं लगेगा। मेला से पूरे हर जगह जब सारा काम और आप उपचुनाव करवा रहे हैं, वही डीसी के रखते हैं, उपचुनाव हो रही है। आज आप देख लीजिए सारा जेएमएम में भाजपा का विजय जुलूस निकल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, हिंदुओं की आस्था जो हम लोग आस्था है, वहाँ लाखों लोगों की आस्था है, कहाँ से तो दूर दूर से लोग आते हैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने और रथ खींचना लाखों पुण्य कमाने के बराबर है। उस पर डीसी साहब बोल रहे हैं कि मेला नहीं लगेगा, ये बिल्कुल अव्यवहारिक और बेतुका निर्णय है। लेकिन आप जितने चीज़ों का उदाहरण दिए, ये तो कोरोना गाइडलाइन के आधार पर ही आयोजित हुआ, चाहे वो रामनवमी हो या इससे पहले दुर्गा पूजा हो या फिर कोई चुनाव हो, उपचुनाव हो, वो तो गाइडलाइन के तहत ही हुआ है। अभी मांडर में जो उपचुनाव होना है वो भी तो गाइडलाइन के अंदर हो। गाइडलाइन तो निकलता है, पालन कितना हुआ? वही डीसी साहब मेन रोड में थे और रामनवमी में जो गाइडलाइन उन्होंने निकाला था, क्या उसका पालन हुआ? छठ में इन्होंने कहा था कि पानी में नहीं उतरना, कोविड फैल जाएगा, पालन हुआ? अब आस्था से लोग अब नहीं बजाएगा, आस्था से ये जो हमारी आस्था है उससे हम लोग कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे। नहीं हमने छठ में किया, नहीं रामनवमी में किया, होली में भी नहीं किया, ईद में भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने नहीं किया, तो फिर आप ये जबरदस्ती अव्यवहारिक निर्णय जो कि लाखों लोगों की आस्था पे टिका हुआ, जगन्नाथपुर मेला आप समझ रहे, 2 साल से मेला नहीं लग रहा था, लोग समझ रहे कोविड का है, कोविड का है। अब जब सब देखे सारा पर्व त्यौहार मन रहा है, अब बिल्कुल अच्छी तरह मन रहा है, अब रामनवमी में इन्होंने जो गाइडलाइन निकाला, निश्चित तौर पे आप लोग भी देख किसी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, कहाँ कोविड विस्फोट हुआ? तो फिर ये रथ यात्रा को ही टारगेट करना क्यों? आप लोग चाह रहे हैं कि रथ यात्रा के साथ साथ मेले के आयोजन की भी इजाजत दी जाए, भले ही उसमें कुछ आप सीमा रख दें। बिल्कुल, आप गाइडलाइन के तहत मेला का आयोजन करवाइए ना, केवल रथ यात्रा का आयोजन क्यों, हम मेला का आयोजन गाइडलाइन करें। आपके पास फोर्स है, आपके पास संख्या बल है, आपके पास सरकारी पदाधिकारी, आप मेला में गाइडलाइन का पालन करवाइए। लेकिन मेला जो हजारों लोग, लाखों लोग की आस्था का है, उसको आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? तो आप लोग इसको लेकर डीसी या फिर सरकार के किसी मंत्री से मिलेंगे? निश्चित तौर पे मुझे लगता है ये मामला मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में नहीं है और हम लोग बहुत जल्द मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर मांग करेंगे कि इस अव्यवहारिक बेतुके निर्णय को वापस लिया जाए। अच्छा, पूजा समिति जो कल इस बैठक में शामिल हुई थी, उन लोगों का क्या डिसीजन है? जब डीसी साहब ने डिसीजन लिया तो उन लोगों की सहमति से ही लिया गया? पूजा समिति में कौन से लोग थे आप पढ़िए ना, सारे सरकारी लोग थे। आप एक बार जाइए ना वहाँ पे जगन्नाथपुर के जो लोग हैं, आप एक बार, मैं आप सभी मीडिया बंदों से आग्रह करूंगा, आप एक बार वहाँ जाकर वास्तव में जो वहाँ के निवासी हैं उनसे उनका विचार जानने की कोशिश कीजिए, सारा चीज सामने आ जाएगा। एक एसी चैम्बर में बैठ के आप वहाँ का पब्लिक का ये आस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं, पब्लिक का आप मूड डिसाइड करना चाहते हैं, आप जाइए ना, आप वहाँ फील्ड में जाके सर्वे कीजिए ना, कौन से लोग चाह रहे हैं कि मेला लगे नहीं लगे, केवल मेला फैलने लगने से कोरोना फैलेगा कितना? आप यही, मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, आप जो गाइडलाइन निकाले उसे मंडल उपचुनाव करा के दिखा लीजिए। कल ही तो था नॉमिनेशन रैली, कितना आप गाइडलाइन निकाले, कितना पालन हुआ? खाली मेलवे के लिए है गाइडलाइन, मेलवे के लिए कोरोना है, और चीज के लिए कोरोना नहीं है। बिल्कुल गलत निर्णय, हम लोग इसका विरोध में हैं और हम लोग बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से मिलकर और मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाएंगे और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री महोदय इस पर कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल, ये प्रदीप तिवारी हैं, समाज सेवी हैं और इस बात से आहत हैं जब डीसी के साथ पूजा समिति की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि मेले का आयोजन नहीं होगा,
इनका मानना है कि 2 साल तक कोरोना संक्रमण के दौरान मेले का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन अब जब संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, धीरे धीरे पूरा बाजार खुल रहा है, वैसे में मेले का आयोजन होना चाहिए ताकि जो सैकड़ों हजारों लोग इस मेले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि माना यही जाता है कि जगन्नाथपुर रथ यात्रा का जो मेला है इसमें तमाम ग्रामीण प्रवेश की जितनी चीज़ें हैं वह बिकती हैं, और यही वजह है कि रांची और आसपास के जिलों से भी लोग इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। हालांकि अभी मेले के आयोजन में समय काफ़ी है, देखना होगा कि सरकार के स्तर से इस पर आखिर मेले के आयोजन को लेकर क्या कुछ निर्णय होता है। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगर टोली रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in